आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, याद है आपको? कॉपी कर दो। याद बोलो, ये आवाज आनी चाहिए सबकी। किया था हमने क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं करता। अच्छा कैमरा ऑन करो, ये तो बोलो कैमरा ऑन करो। सही बच्चे करो, फिर से करो, पढ़ाना भी है फिर मुझे। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको याद है? मैंने बताया था कि ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं करता, इसे अलग हो जाता है। अरे बोलो, सही है, ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। नोड की तरह बिहेव क्यों नहीं करता, ये बताया था कि यहां से कंफ्यूज आ जाता है, यहाँ से अगर क्यू चार जाता है तो मान लो इधर गया Q1, इधर गया Q2, तो इधर गया Q1 क्योंकि जैसा ऊपर है वैसे नीचे से। सिमिलरली इधर गया जब उल्टी पैटर्न लगाई तो Q1 इधर लगाया, Q2 Q1 उधर गया Q2, इसका मतलब Q2 सीधा ही गया। Q2 सीधा गया तो इसका मतलब क्या हुआ? Q2 सीधा जाने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं किया। अरे बोलो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, यस और नो बोलो भाई। यस सर सारे बच्चे बोलेंगे तभी बात बनेगी, ऐसे रिपीट करूंगा मैं बेवकूफों की तरह, कोई फायदा नहीं है। रिपीट यस करो और आप सर यस और नो भी नहीं बोल सकते तो कोई फायदा नहीं है मेरे रिपीट यस करने सर का। ठीक है, तो फिर बस ये दोनों सीरीज में उसका थे, पैरेलल में आपस में सीरीज में करा था। बोलो, ये दोनों सीरीज में उसका थे, पैरेलल में आपस में सीरीज में किया था, फिर तीनों आपस में पैरेलल में किया था। बोलो याद है? बहुत यस सर पुराना क्वेश्चन, सिमेट्री सर्किट का सेकंड क्वेश्चन, सिमेट्री का एक और क्वेश्चन करा रहा है। फर्स्ट नंबर की तारा की सिमेट्री है या नहीं, अगर जल्दबाजी में प्रूव करें। बस यही और सारे सिंह। कैसे निकालो यार, फिर अपने कैमरे बंद कर दिए, क्या बात? हाँ अंकुश, दया, नीरज, अभनूर, कैमरा मैं इनको आप रिमूव कर दूं क्या? अगर कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो रिमूव कर देता हूं मैं। कैमरा ऑन नहीं हो रहा तो रिमूव कर देता हूँ। कैमरा ऑन करें सभी बच्चे।
पंचम, वरुण देव, कुशल, कैमरॉन करो, ऋषभ रावत, ललित यादव, मोहित राहुल। गुलिये तो पंचम को लगता है मुझे रिमूव करना पड़ेगा, कैमरा वाले को बता। कुशल मेधावी हाउस गुलिया अब इसमें बताओ, मिट्री है या नहीं, इसमें क्या होगा? सबसे पहले मान लो यहाँ गया कितना Q1, तो यहाँ कितना गया Q2, अपोजिट बैटरी लगाई तो यहाँ कितना जाएगा सेम Q2, और यहाँ कितना जाएगा सेम Q1। इसका मतलब Q1 चार्ज सीधा जा रहा है, Q1 चार्ज अगर सीधा जा रहा है तो दिस पॉइंट विल नॉट बिहेव एज नोट, दिस पॉइंट विल नॉट बिहेव नोट। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे हो जाए बोलो सही है, ये क्या हो जाएगा? यस सर, सी 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 और सी सीरीज में C/2 हो जाएगा, C/2 के साथ सी पैरेलल में 3C/2 हो जाएगा, और 3C/2 के साथ 1/C और 1/C 3 में 3C, 3 3 6 2 8, 1/C/1, 3C/8 हो जाएगा, अब नीचे C/2 हो जाएगा, अब 3C/8 और C/2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 8C/3 और 4 7C/8। बोलो समझ में आया कैसे करेंगे भाई? कैमरे ऑन क्यों नहीं हो रहे बेटा? कोई तो दिक्कत है क्या कैमरा ऑन करने में बेटा? फिर मैं एक काम करता हूँ, म्यूट भी बंद कर देता हूँ, कैमरा भी बंद कर लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं ना। फिर जब लगेगा ही नहीं क्लास हो रही है उसका क्या फायदा? सर एक बार पेज पिछला कर दो सर। पिछला पेज तो कल वाला ही है भाई, कल जो पढ़ाया था। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर प्लीज गेट साइड। अबे नूर 2 मिनट नहीं हुए तुम्हारे, अबे नूर 2 मिनट नहीं हुए तुम्हारे, 2 मिनट बस। कुशल सर प्लीज गेट साइड। नोट करो इसको, क्वेश्चन कराया नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, नोट करो, मैट्रिक से रीड इम्पोर्टेंट है। हाँ लिया नोट बेटा, थर्ड कराऊं? जल्दी नो सर, करो, यस सर। जल्दी करो।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थी उसकी बात। ठीक है, आगे एडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड ऐसे मान लो ये, ठीक है, ऐसे मान लो क्यू चार्ज है, ऐसे मान लो सी को, सुनो मान लो, सुनो मेरी बात, एक काम करो इसको डायग्राम को टाइम देते हैं, इसे ही बना लेते हैं। ठीक है भाई, बोलो सही है, एक क्यूब दिख रहा है आपको, अरे क्यूब की हर एज पे क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, क्यूब की हर एज पे क्या है बेटा, कैपेसिटर है, ठीक है, ये मैंने 2 से 3 बार बोल दिया, अभी तक अगर कैमरा ऑफ नहीं हो रहा, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो मैं एक कुशल को तो रिमूव कर दिया मैंने, कुशल रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, कई बार बोल चुके हैं, नरेश को रिमूव कर रहा हूँ, कुशल रिमूव हो गया, नरेश रिमूव हो गया, ठीक है, ऋषभ रावत को भी कई बार बोल दिया, उसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ऋषभ रावत भी रिमूव कर दिया, 3 बच्चे रिमूव कर चुका हूं मैं, और अब बिना गए रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, देव को रिमूव कर रहा हूं, देव को भी बहुत बार बोल दिया, ठीक है, 4 बच्चों को रिमूव कर दिया, शौर्य मिश्रा, शौर्य मिश्रा रिमूव्ड हो गया, 5 बच्चे रिमूव कर दिए, ठीक है, अब समझ में आएगी, काफी देर से हो गया ना बोलते हुए, ऑन करो ऑन करो, बार बार बोलते, तुम क्या समझ रहे हो, पता नहीं नौकर समझ रहे हो क्या, बार बार बोलता रहे हैं, डांट खाने वाले काम कर रहे हो, ये 5 बच्चे रिमूव कर दिए ना, अब कैमरा बंद हो किसी का, अब जिस टाइम कैमरा बंद होगा बिना बताए रिमूव कर दूंगा, बताऊंगा भी नहीं कि रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब करके दिखाओ कैमरा बंद, करके दिखाओ कैमरा बंद, ये अभिनूर को भी रिमूव कर रहा हूँ, अभिनूर का कैमरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, कैमरा कहाँ है,
ठीक है, अगर अब ये बंद हुआ ना बेलूर उसी टाइम रिमूव कर दूंगा। ठीक है चलो, तो हर कैच पे क्या है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसके क्रॉस, इन एंड्स के क्रॉस। मान लो तो तीन केस बनते हैं, मैं तीनों करा दूंगा आपको, दो मैं कराऊंगा एक होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, हम पहला बनता है अक्रॉस बॉडी डायगोनल, अक्रॉस बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल समझते हो ना, बॉडी डायगोनल समझते हो क्यूब का। यस सर। सबसे पहले इक्विलेटरल कैपेसिटेंस लानी है अक्रॉस बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब नंबरिंग की जाती है, क्या की जाती है, नंबरिंग। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से सुनने की बात है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है, नंबरिंग की जाती है। जैसे मान लो ये वाले पॉइंट की नंबरिंग करनी है, तो ए से वन वर्टेक्स दूर है, तो पहले लिखते हैं जितना ए से वर्टेक्स दूर है और बी से टू वर्टेक्स दूर है, इसका नाम हो गया 1.2। बस इसका सिमिलरली इसका ए से वन दूर है, तो पहले ये वाला तो बी से वन और सेकेंड नंबर का, अरे बोलो सिमिलरली है। ए से कितने वर्टेक्स दूर है, ये वन और ये टू और बी से सीधा वन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आ रहे हैं, जैसे इसकी बात करो, ए से कितना दूर है, वन और टू, टू पहले ए वाले फिर बाद में बी वाले। ठीक, क्लियर है, जैसे इसकी बात करो तो ए से कैसे, वन और ये टू पहले ए वाला फिर बी वाला, ये पहले ये वाला ए से वन और बी से वन और टू। अरे बोलो, देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर तो ये हो गए 1 2 2 1, और 2 कॉर्नर ए बी हो गए, तो टोटल 8 कॉर्नर हो गए, टोटल 8 कॉर्नर हो गए। नेमिंग कर दी, तो नेमिंग कर दी, क्लियर है बोलो, क्लियर है। आसान है नेमिंग करना। विवेकानंद इज ऑल्सो रिमूव, विवेकानंद को भी रिमूव कर दिया हमने। विवेकानंद भी रिमूव हो गया, बाद में कैमरा ऑन क्यों कर रहे हो विवेकानंद, है रिमूव, विवेकानंद भी रिमूव हो गया बीच मीटिंग में से। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करना है, अब बहुत आसान है। ए से फोर अटैच है 1 2, जिसके क्रॉस निकालना है उसको एंड में रखते हैं ना, 1 2 से 2 1 भी दिख रहे हैं, 1 2 से 2 1 भी दिख रहे हैं, और 2 1 से बी है बिल्कुल, तो ए और बी क्रॉस निकालना था, तो ए और बी को रखा एंड में, ए और बी को कहाँ रखा, एंड में रखा। ठीक है, ए और बी को कहाँ रखा, एंड में। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ए से 1 2 कितने, देखो ए से एक 1 2 ये रहा, एक पे ये रहा, एक ये रहा, दो, एक ये रहा, तीन। अरे बोलो, ए से 1 2, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन है, तो तीन बना लो, एक चलो बाय ड्राइंग दूसरे कलर की कर देते हैं, ए से 1 2 3 है, एक दो और तीन। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत हुई हो तो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी सर। क्लियर है। हाँ? यस यस सर। एवरीबॉडी, यस सर। ओके, अब 2 1 से बी देखो, 2 1 से बी, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन ही है, 2 1 से बी भी तीन, एक
तीन, बोलो समझ में आया? सही है। और वन टू से टू वन, देखो वन टू से टू वन हो गया, मैं रेड रेड से कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। एक पे ये हो गया वन, है ना, वन टू से टू वन, एक ही हो गया दो, एक ही हो गया तीन, ये पीछे वाला हो गया चार, एक ये वाला हो गया पांच, ठीक है, और भी रह गया, हाँ एक ये वाला पीछे वाला रह गया, छः छः है बेटा। देखो रेड वाले छः है, वन टू से टू वन, वन टू से टू वन छः है, बना लेते हैं, वन टू से टू वन छः, एक दो तीन चार पांच बोलो सही है। यस, अब कैसे लगे मैं बताओ, ये तीनों पैरेलल, ये छह के छह पैरेलल, ये तीनों पैरेलल आपस में, आपस में सीरीज में, सीरीज में, बस ये पैरेलल में कितना हो गया, थ्री सी, थ्री सी, ये कितना हो गया, सिक्स सी, सिक्स सी, कितना हो गया, थ्री सी। और सीरीज में करने का मतलब क्या हुआ, वन अपॉन, वन अपॉन, वन अपॉन, वन अपॉन प्लस 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 वन सी इक्विवेलेंट, तो कितना आ गया बेटा, 5 बाय 5 बाय 6 से 6 से 6 बाय 6 सी बाय 5 होगा सर, ऊपर 2 और 2 4 और 1 5 होगा सर, 4 1 5 6 सी बाय 5 6 सी बाय कितना आ गया, 6 सी बाय 5 6 सी बाय 5 करंट आ गया, 6 सी बाय 5 बोलो समझ में आया, आ गया सर। अक्रॉस बॉडी डायगोनल क्यूब के अगर हर, क्यूब के अगर हर कॉर्नर, अगर हर एज पे, क्यूब की अगर हर एज पे कैपेसिटेंस लगाऊंगा तो पॉलीडायगोनल क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 6 सी बाय 5, अरे बोलो यस, कितनी आएगी, 6 सी बाय 5, ठीक है ना, यस। नोट करो, वैसे याद भी कर सकते हैं, नोट करो, नोट करो, सेकंड कराऊंगा। आज 6 बच्चे रिमूव करे मैंने क्लास में, 6 बच्चे समझे, यस सर, ये बच्चे रिमूव करे सिर्फ कैमरा ऑफ होने की वजह से, ठीक है, डायरेक्ट कुछ भी आ सकता है ना, इसका ही कैमरा ऑफ है, है? क्या बात मोहित, रिमूव करना है क्या तुम्हें भी, सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ अगर किसी का कैमरा बंद होगा ना, अगली बार नाम भी नहीं पुकारूंगा, सीधा रिमूव कर दूंगा, अगली बार नाम भी नहीं पुकारूंगा, रिमूव करूंगा। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हैं? इसको याद ही कर ले सर, न्यूमेरिकल वैल्यू को याद भी कर सकते हैं अगर, और पेपर में सब्जेक्टिव में भी तो आ सकता है, हाँ सर सब्जेक्टिव बॉडी में सर, हाँ, और सेकंड वाले में आएगा वो, सेकंड, ये फर्स्ट वाला सिर्फ आ सकता है सब्जेक्टिव में, सेकंड और थर्ड नहीं आएंगे, सेकंड और थर्ड सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए, पता तो होना चाहिए कैसे आया, पर सर इसके ऊपर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट पूछेगा, क्रॉस बॉडी डायगोनल के क्रॉस कैपेसिटेंस का दो, बस फायदा हो जाएगा, नहीं याद तो ऐसा तरीका पता होना चाहिए, अब तरीका भी नहीं पता, याद भी नहीं है तो मुझे लोग जिंदगी के, ठीक है ना, गोली में राइट मीटर दे दे, दे 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 दे, अभी क्या जल्दी है, कुमार अंकित, I will sleep in class. Nothing more than that. Next round.
नेक्स्ट करें, हटाओ इसको. यस यस सर. नेक्स्ट कराऊं इसको, हटाऊं? यस. बोलो भाई, इसको हटाएं. यस सर. नेक्स्ट करो सर. सिद्धांत क्या बेच रहा है, बंद करवा रहे अक्रॉस. सिद्धांत सब भी बाद में देखते हैं. फेस डायग्राम. अब फेस डायग्राम अक्रॉस निकालना, ठीक है? फेस डायग्राम कैसा होता है आपको पता ही. अब देखो मैं बार बार पूरा क्यूब नहीं बना रहा, ठीक है ना? बस सीडी वाला बना रहा हूँ, उसके अंदर मतलब कैपेसिटेंस नहीं बना रहा, ठीक है? मतलब कैपेसिटेंस नहीं बना रहा. अब आपको वेट फेस डायगनल करो. तो फेस डायगनल ये हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी. बोलो, और हर एक जगह क्या है कैपेसिटेंस है, बना दो चाहे. बोलो सही है, बना दिया आज देखो. हर एक्स पे क्या है कैपेसिटेंस है, सही है? कोई दिक्कत? अरे बोलो, एकदम क्लियर है? क्लियर सर. क्लियर सर. अब नाम कर, नाम नाम दे ले नाम. देखो इसका नाम क्या होगा, ए से कितनी दूरी पे है, वन, और बी से वन. इसका नाम होगा वन कॉमा. बोला ऐसी सिखाया. बोलो. यस सर. इसका नाम क्या होगा, ए से कितना है, वन, और बी से वन टू और थ्री. थ्री. बोलो इसको देखो, इसको ए से कितना है, टू कॉमा टू कॉमा टू, और बी से वन टू. अरे बोलो सही है. अब ये वाला पॉइंट देखो, ऐसे कितना है, वन टू टू कोमा टू, वन टू, तो भी टू कोमा टू ही है, ठीक है? ये पॉइंट कितना है, ऐसे कितना है, वन टू थ्री कोमा वन, और बी से कितना है, वन. अरे बोलो, अब बचा ये पॉइंट. ये पॉइंट कितना है, ऐसे कितना है, वन, और बी से भी वन, वन कोमा वन. अरे बोलो, क्लियर है एकदम? यस सर. एकदम क्लियर है. दो दो चार और छह और दो आठ, आठ चार्ट कॉर्नर पूरे हो गए. अरे बोलो क्लियर है? हाँ यस सर. सही है सर. यस यस सर. यस सर. अब क्या करोगे, अब डायग्राम बनाना है बस. अब डायग्राम कैसे बनेगा, सोचने वाली बात ही है. अब ए से कौन अटैच है, देखो ए से है, दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा. ए से कौन अटैच है, ए से है वन थ्री अटैच और वन वन अटैच. अरे बोलो, ए से वन थ्री अटैच है और वन वन अटैच है ना, और वन वन से फिर टू टू अटैच है, टू टू से फिर वन थ्री और थ्री वन अटैच है. तो ए से अटैच है, वन वन, वन वन से फिर टू टू, वन वन टू टू. देखो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, इसके इसके पीछे भी लॉजिक है ना, क्या लॉजिक है समझना होगा. ऐसे रख दिया मैंने इसको ना. देखो ऐसा क्यों बनाया मैंने, अभी समझ में आया. मेरे को एक बार रफ तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना? ए से वन वन बताओ कितने, ए से वन वन, एक और दो. अरे बोलो. यस सर. एक और दो. अच्छा, वन वन से टू टू बताओ, वन वन से टू टू. एक तो ये रहा,
एक है पीछे वाला, दो है सर, दो है दो। टू टू से भी बताओ, टू टू से भी तो है ही नहीं, टू टू से भी तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये अरेंजमेंट क्या है, सही नहीं है। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट बनाते हैं। ये समझ रहे हो क्या दिमाग लगाना है, पहले आपको रफ बना के देखना पड़ेगा अरेंजमेंट ठीक बनाया है नहीं। अरे बोलो, रैंडमली हम कोई भी नहीं कर सकते, रैंडम बनाना पड़ेगा बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा। देखो सर इसमें क्या गलती करी है सर, मैं बताता हूँ गलती क्या है, ढंग से सुनो पहले। ए से अब इधर करूंगा 1 3, इधर करूंगा 3 1, इधर करूंगा बी और 1 3 के साथ करूंगा 1 1 और बी के साथ करूंगा। मैं मिटाओ नहीं रहा इसलिए ऊपर वाले को, मैं ऊपर वाले को मिटाओ नहीं रहा इसलिए, यही ताकि आपको समझ में आए गलती वगैरह सब कुछ। ठीक है नमस्ते, ठीक है अब सुनो। अब ए से 1 3 बताओ, ए से 1 3 कितने, वन है सर, एक ही है, एक ही है। देखो तुम्हें सब पता लगेगा, खुद पता लगेगा कि कैसे बनाना पड़ेगा, है ना। यस सर, देखो कैसे भी समझ में आएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, अब सुनो, अब सुनो। 3 1 से भी है, 3 1 से भी कितने हैं, एक है ना, एक है सर, एक। ढंग से समझो, 1 3 से 1 1 है, 1 3 से 1 1 नहीं है, ये सर 1 3 से 3 1 भी नहीं है सर। अरे बोलो, 2 2 से 1 1, यस सर, 2 2 से 1 1 है, यस, एक है सर, इंटरचेंज हो गए, 2 2 से 1 1 दो है, एक ये और एक पीछे वाला भी तो है, पीछे वाला, हाँ सर, दो है सर। अब 2 2 से 1 3 और 3 1 दोनों है, 2 2 एक एक, 1 3 और 3 1 दोनों है, इधर भी है। अब सुनो पहले मेरी बात सुनो, 1 3 से 3 1 है क्या, नहीं है सर, नो सर नहीं है, इसको ये अरेंजमेंट भी कामयाब नहीं है, ये देखो हाँ सर, देखने पड़ेंगे आपको मेरी तरह ऐसे, नहीं है, नहीं है सर, ये काम समझ रहे हो सर, 2 2 वाले में ट्राई करें। अब देखो समझ में आई बात, अब ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, और चलाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलाऊंगा इसको छोटा करके चलाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको छोटा करके चलाता हूं, छोटा करके चला लो सर, है ना, ऐसे ठीक। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, क्या अटैच है, देखो 2 2 और 2 2 से फिर 3 1, तो 1 3 से बनाओ सर, 2 2 फिर 3 1 सर, बनाओ फिर 3 1, 3 1 बस, 3 1 से बनाओ फिर बी और 2 2 से 1 1, बोलो समझ, 1 1 अब ये बन जाएगा सर, बोलो समझ में आया, यस सर, अरे आया या नहीं आया, यस सर, यस सर। अब देखो, अब देखो ए से 1 3 कितने, एक, यस सर, 1 3 से 2 2 बताओ, एक है सर, एक है, एक और दो, दो है, दो, अरे एक ये है, अरे ये, हाँ दो, दो है सर, ठीक है। अच्छा 2 2 से 3 1 दो है सर, 2 2 से 3 1 एक है सर, एक, दो है सर, किसको एक दिख रहा है, दो है सर, एक तो, अरे भाई एक ये है, एक ये है, एक ये रहा है, दो है सर, ठीक है। 3 1 से भी कितने हैं, एक है सर, 3 1 से भी एक ही है, एक है सर। अच्छा 1 1 से 2 2 तो दो लगाई चुका हूं, कोई बात, दो लगा चुके सर, अरे बोलो, यस सर, ऐसे ही है ना, 1 1 से 2 2, यस सर। अच्छा क्या 1 3 से, 1 3 से, वन वन से बी है सर, क्या है 1 1 से बी और ए से 1 1 भी है, ए से 1 1 कितने, यस सर, एक है,
दो है बेटा दो पिछली बार बनवाना है सर। अरे बोलो सही है यस सर। और वन वन से भी एक दो ही है दो है सर। टोटल कितने वाले चाहिए थे 12। अरे 12 ही तो है इसकी 12 है 12 होनी चाहिए सर। दो दो चार दो छह सात आठ आठ नौ दस 12 हो गए पूरे हैं सर। यस सर हो गए यस सर। अब सुनो अब देखो मैं इसको बनाऊंगा छोटा करके इसको छोटा करके बनाऊंगा देखो मैं सुनो मेरी बात। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो इधर सुनो पहली बात तो ये हो गया सुनो मेरी बात। ये कितना हो गया ये सी टू सी हो गया। अरे मिलाकर टू सी हो गया ना सी और सी। यस सर वो भी टू सी हो गया टू सी ये भी टू सी हो गया। तो पहले मैं टू सी सी वाले बना रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो आपको खुद समझ में आ जाए। वन थ्री टू टू थ्री वन और थ्री इसमें तो एक सी हो गया है ना इसमें टू सी हो गया ना। अरे बोलो इसमें भी एक टू सी हो गया इसमें एक सी हो गया हाँ और इधर वन वन है इससे एक डायरेक्ट टू सी हो गया ये इससे डायरेक्ट अटैच है ये डायरेक्ट टू सी हो गया दो है सर वो टू सी ये डायरेक्ट अटैच है डायरेक्ट टू सी हो गया। अरे बोलो देख लो आप पीछे आप देख लो चाहे पीछे पीछे देख लो ये टू सी ये सी ये टू सी सिमिलरली इधर ये टू सी ये सी ये टू सी सिमिलरली इधर और बीच में टू सी बोलो क्लियर है और सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में सीरीज में। अब कहानी समझो कहानी समझो ए से वन वन हो गया टू सी राजी ये भी कितना हो गया टू सी ये इससे डायरेक्ट हो गया कितना हो गया टू टू सी और इसका नाम क्या है टू 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 टू। अच्छा अब इधर देखो ए से टू टू सी और टू सी सीरीज में टू सी अपॉन थ्री बाई टू टू सी बाई थ्री आ गया यस सर। अरे बोलो यस सर कितना आ गया ये टू सी बाई थ्री। अरे ये टू सी बाई थ्री आ गया ना यस सर। और ये कितना आ गया सेम आ गया सर सेम सर टू सी बाई थ्री। ध्यान से देखो वहां सर बी लिख दो सर। अब ध्यान से देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अब ध्यान से देखो ए भी एक रोज निकालना है तो बीच वाला खत्म हो गया व्हीटस्टोन इसका रेशो बराबर है यस सर। अब ऊपर वाले दोनों किसमें सीरीज में नीचे वाले दोनों किसमें सीरीज में ऊपर दोनों पैरेलल टू सी और टू सी यानी वन बाई टू सी सीरीज सीरीज चल दूसरा फॉर्मूला लगा देता हूं तो टू सी इंटू टू सी अपॉन फोर सी हो गया यस सर सी वन सी सी और दूसरा बोल दो टू सी इंटू टू सी बाई थ्री अपॉन फोर सी बाई थ्री ये हो गया सी टू ठीक है सी वन प्लस सी टू सी फोर सी टू से टू ये सी आ गया यस सर टू सी बाई थ्री से एक सी बाई थ्री कट गया एक टू से एक फोर कट गया एक टू से एक टू कट गया ये सी बाई थ्री आ गया यस सर। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में सर पैरेलल करेक्ट एंड फोर सी बाई थ्री सी बाई थ्री कितना आंसर आ गया फोर सी बाई थ्री फोर सी बाई थ्री। देखो कई बिल्कुल कई तो आसान भी नहीं मिलेंगे आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखो दो बार जान के मैंने गलती करी ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज कैसे लगानी है कनेक्शन करते हुए ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला देखो सर्किट बनने के बाद तो आसान है लेकिन सर्किट कैसे बनना है ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये दोनों गलत क्यों है ये ठीक क्यों है। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा ना देखो इसे सर्किट क्या बना लूंगा मैं गंदा सा बनेगा इससे 1331 अटैच नहीं है इसमें भी 1331 अटैच नहीं है तो कोई हासिल ही नहीं हो रहा। अरे बोलो yes, और इससे भी 22 और B भी अटैच नहीं है। अरे बोलो
तो ये अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी पॉइंट्स की, पॉइंट्स की अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। आया कुछ समझ में? नहीं आया? आया सर, आया सर, क्रिस्टल क्लियर। फिर अगला स्लाइड नोट करवाऊंगा। क्लियर सर। जल्दी नोट करो। फिर से कैपेसिटर है, बोलो। हेडिंग क्या है सर इसकी? ये क्वेश्चन है क्या? क्रॉस एज, एज के क्रॉस, ये एज पकड़ लो, ये ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ठीक है? चार चार पूरे हो गए, है ना? अब नेमिंग करनी है। चलो इसका नाम बताओ, पॉइंट का नाम बताओ। ए से कितना? वन। और बी से कितना? 1.2। One, two, three. ये A से two, B two. से two, one, three. Three. Two, three. ये A से three, comma two. Three. Two, sir. B से two, sir. ये sir two होगा A से. Two, comma one. A से two और B से one, sir. ये A से वन और B से थ्री टू, ठीक है? सिंपल शॉर्टेस्ट देखते हैं, शॉर्टेस्ट, ठीक है? टू, ये वन कोमा टू, A से टू, टू कोमा वन, टू कोमा वन, टू कोमा वन, टू कोमा वन। चार ऊपर हो गए, दो छह और दो आठ हो गए। अरे बोलो, हो गए? यस सर। अब कनेक्शन करना कैसे करेंगे? A से कौन अटैच है? A से वन टू भी अटैच है, A से वन टू ही अटैच है, तो A से वन टू लगाओ पहले। यस सर। ठीक है, वन टू से टू वन भी है, अच्छी बात है, और आगे टू वन से बी भी है। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। A से वन टू है ना? नो सर। टू वन से बी भी है। याद रखो, देखो वन टू से टू थ्री भी है और टू वन से थ्री टू है, वन टू से टू थ्री है और टू वन से B2, B2, sir. अरे बोला, ऐसी तो बनाओगे? यस सर। चलो अब लगाते हैं। A से वन टू कितने बताओ? A से वन टू एक सर और एक, ये दो, दो है सर, दो, दो है सर, दो, एक और एक, ठीक है? वन टू से टू वन, वन दो टू है एक, सर, एक टू से टू वन, एक ये ना, एक ऊपर है सर, एक ऊपर है, एक ही पर दो है सर, बारह लगाने हैं, चार हो चुके हैं। टू वन से भी कितने? दो है सर, है? दो है सर, एक ये और एक ऊपर, एक ऊपर वाला सर। अरे बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, वन टू से टू थ्री है, वन टू से टू थ्री, हाँ है, एक तो ये वाला सर, दो है सर, और एक ये। अरे बोलो। यस सर, यस सर, टू फाइव, वन टू से टू थ्री भी है। अच्छा, थ्री टू से टू वन है, टू से टू वन, दो है सर, दो है सर, दो, यस सर, है सर, और दो, गिरा है, गिरा, दो है, यस सर, दो है। अच्छा, थ्री टू से टू थ्री है, एक है सर, एक है, यस सर, एक ही है सर, एक। अच्छा, ए से भी है मतलब? हाँ, ठीक है सर। बार ए से भी तो टच है। यस सर। अब कितना? बारह हो गए। बारह हो गए सर। हो गए सर, हो गए। अब क्या करोगे? छोटा कर लो, छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब क्या करोगे? सबसे पहले तो ये टू सी, टू सी इनको चेंज कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो देखो, ये देखो, ए
ये 1 2 2 1 ये 2 1 बी सर सबसे पहले एक तो ए अटैच है ए से बी अटैच है सी वाला अरे बोलो यस सर ए से 1 2 कितने हैं 2 सी 2 सी सर इस सेम 2 सी इसमें भी सर इसमें भी 2 सी सर अच्छा ये भी 2 सी यस सर ये भी 2 सी यस सर और ये सी और आपस में तीनों किसमें सीरीज अरे सीरीज सर सीरीज यस सर तो ऊपर से 1/2c और 1/2 प्लस 1/2c प्लस 1/2c सीरीज में सर कितना आ जाएगा 2c 1 + 2 + 1 और तो c1 आ जाएगा c/2 अरे बोलो 2c/4 यानी c/2 ऊपर आ जाएगा c/2 अरे ये सारे सीरीज में लाके c/2 और उसके साथ ये 1 2 और 2 1 अरे बोलो यस सर यस सर यस सर ये दोनों यस सर ये दोनों किसको पैरेलल पैरेलल 5c/2 यस सर 5c/2 अब ये तीनों किसमें है फिर किसमें सर सीरीज में यानी सीरीज 5c/2 5c/2 1/c/2 हो गया अरे yes, बोलो एलसीएम लोग कितना आ गया 10c 10c सर 5 और 5 10 और 4 14 तो c2 कितना आ गया 5c/7 यस सर अरे आया समझ में yes, sir. आ गया सर अब इस 5c/7 के साथ c किसमें पैरेलल में सर कितना हो गया यस पहली बारी में बन गया सही डायग्राम यस सर यस सर अरे बोलो यस सर आया समझ में यस सर